हीरो की नगरी पन्ना में एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत चमक गई है। मजदूर प्रकाश मजूमदार को 14.21 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी मजदूर प्रकाश मजूमदार को 12 हीरे मिल चुके हैं। बता दें कि प्रकाश मजूमदार ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर हीरा खदान लगाई थी। हीरा मिलते ही सभी साथियों ने हीरा कार्यालय पहुंचकर जमा करवाया। तो मजदूर प्रकाश मजूमदार की तो किस्मत ही ऐसी है कि एक नहीं, दो नहीं, 12 हीरे अब तक मिल चुके हैं। और ये जो हीरा अब मिला है 14.21 कैरेट का बताया जा रहा है, 70 लाख रुपए इसकी कीमत है। वही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए दिन बड़ी बड़ी हस्तियां उज्जैन आती हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी बाबा महाकाल की शरण में आए और बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के गर्भगृह से 16 पहनकर अनुपम खेर ने दर्शन किए। साथ ही महाकाल मंदिर के पंडितों ने महाकाल शिवलिंग का पंचामृत पूजन कराया। महाकाल पूजन दर्शन के बाद अनुपम खेर ने कहा कि एक साथ 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं, कश्मीर फाइल, ऊंचाई, इमरजेंसी, सिग्नेचर, ऐसी कई फिल्में लगातार रिलीज होनी हैं, लेकिन बाबा के दरबार में सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं, यहां फिल्मों की कोई बात नहीं होगी। अनुपम खेर ने कहा कि महाकाल के दरबार में आकर बहुत शांति मिलती है। जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बिन मांगे मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आज तो शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कश्मीर फाइल्स के बाद अब ऊंचाई आई है, ऊंचाई के बाद अब एक सिग्नेचर आएगी और उसके बाद फिर इमरजेंसी आएगी। बहुत सारी फिल्में आ रही है मगर आज भगवान के सामने फिल्मों की बात नहीं, प्रार्थना की बात है। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल के दरबार में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल के दर में मत्था टेका और कहा कि मेरी फिल्में कई आने वाली हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूं। बाबा महाकाल के दर पर आकर बहुत शांति की अनुभूति होती है। साथ ही उन्होंने फिल्म का भी जिक्र किया कि कश्मीर फाइल आई और इसके अलावा और फिल्में, सिग्नेचर और इसके अलावा इमरजेंसी फिल्म का भी उन्होंने जिक्र किया। एक छोटे से ब्रेक ले यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट।